क्या पढ़ाई कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो ना, सिर्फ बुक को देख रही हो? ये पढ़ाई के टाइम में ना मुझे कहता है पढ़ाई करेगा, और आके बैठ के ना मोबाइल में क्वेश्चन से देखते रहता है, बुक्स देखते रहते हैं, पढ़ाई ही नहीं करता है। क्यों बोलो नंदिनी, इतना पढ़ाई करता है, पढ़ पढ़ कर थक गया है। अभी सुबह का 8 बजने वाला है, नंदिनी पढ़ाई कर रहा है और छोटी लड़की जो है वो सो रही है, और मैं यहाँ पूजा घर में पूजा करने आई हूँ। मेरा सुबह का जो पहला काम है, आप लोग को मैं पहले बता सकती हूँ, मेरा सुबह का पहला काम होता है भगवान जी का पूजा करना। तो मैं यहाँ भगवान जी का पूजा करने आई हूँ। आज जो है ना, आज बृहस्पतिवार है, तो भगवान जी को ना अच्छे से थोड़ा सा सजाना है, और माता लक्ष्मी को भी पूजा करना है, तो थोड़ी सी टाइम लगती है पूजा करने बृहस्पतिवार को। तो उसी वजह से ना मेरा आज लेट हो गया है, 8 बज गया, नहीं तो कभी कभी उससे पहले भी हो जाती है। जब छोटी लड़की ना थोड़ी सी चुप हो जाती है कि सो जाती है, तो मैं जल्दी जल्दी उस दिन पूजा कर लेती हूँ। यहाँ अभी मैं किचन में सुबह का टिफिन बनाने के लिए आई हूँ। आज नाश्ते में मैं डोसा बना रही हूँ। डोसा का जो बैटर है ना, कल मैंने मिक्सी में पीस के फ्रिज में रख दिया था, तो उसको निकालने आए, उसमें ना अभी नमक डाला है, क्योंकि जब डोसा करती हूँ तो भी नमक डालने से अच्छा होता है, पहले से दे देने से ना डोसा थोड़ा कुरकुरा नहीं होता। तो मैं इस तरह से लोहे के ताव पर ना डोसा बनाती हूँ। ये वाला जो है ना, मेरा तवा नॉनस्टिक नहीं है, बट इसमें ना डोसा मेरा अच्छे से हो जाता है, तो मैं इसी ताव में बनाती हूँ। नॉनस्टिक है बट मुझे ये इसमें करना बहुत पसंद है, तो मैं इसी ताव में करती हूँ। आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरह से इसमें ना निकल जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, और मेरा डोसा जो है ना अच्छे से हो जाता है।
मैंने एक एक करके सारे धोसा बना लिए हैं। आप उसको ना किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। मैंने यहाँ देख सकते हो आप, धने पत्ता चटनी है, ग्रीन कोरिएंडर का चटनी है, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है ये खाने के लिए। और आप पीनट चटनी के साथ भी खा सकते हो। ये देख सकते हो मैंने पीनट चटनी भी बनाया है, इसके साथ ही बहुत अच्छा लगता है। आप पीनट उसमें कोकोनट भी दे सकते हैं, तो उसमें खाने में ना बहुत मज़ा आता है। ये देखो नंदिनी अच्छे से मज़ा लेके खा रही है, उससे डोसा बहुत पसंद है। हाय गाइज, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट बहुत बिजी थी इन दिनों में, तो 10 दिन हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं कोशिश कर रही थी कि आपके साथ कनेक्ट रहूँ, कोई वीडियो डालूँ, बट एडिटिंग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर में ना घर का जो कलर है ना, बाहर का घर का कलर का काम हो रहा है, तो उसी वजह से ना घर में मिस्त्री लोग लगे हैं। मुझे ना बहुत, इसीलिए ना मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि उन लोग को चाय वगैरह देने पड़ते हैं, तो छोटी बच्ची है, लड़की का स्कूल है, घर का पूरा काम है। हस्बैंड बहुत हेल्प करते, फिर भी बहुत बिजी रहती हूँ। आपके साथ बात करना है, फिर देख कॉल भी आ गया। मैंने बहुत सारा शॉपिंग भी किया था, सोचा था आपके साथ शेयर करूं, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज जो ये वीडियो अपलोड कर रही ना, उसके जो दूसरे वीडियो डालूंगी ना, उसी में आपको मैंने क्या क्या शॉपिंग किया वो वाला वीडियो आएगा सेकंड में, और अभी से वीडियो में ज़रूर डालूंगी, क्योंकि आप लोग ना वेट करते हो वीडियो के लिए, मैं नहीं डाल पाती हूँ। मेरा जो भी सब्सक्राइबर है, चाहे वो 20 हो 30 हो 100 हो, जो भी है, वो लोग ना वेट करते वीडियो डालने का, तो मुझे उन लोग का ख्याल रखना चाहिए, वीडियो डालना चाहिए, तो सॉरी इस वीडियो नहीं डालने की वजह से।